कुछ अपने बारे में बताओ, आप लोग क्या भाई हो, दोस्त हो? नहीं सर, सर बचपन के दोस्त है। मतलब बचपन में साथ ही पले बड़े हो? हाँ राइट। तो पढ़ाई वढ़ाई करी है कहीं कहीं तक, कहाँ तक की? तो सर ये जर्नी की शुरुआत मेरे से हुई थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया, उसके बाद में फिर MBA करने वेलिंगकर बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लगा कि एक US की कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट इंक करके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी कंपनी है जो कचरे से पैसा कमा रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च किया, फिर MBA के बाद ही मुझे बैंगलोर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी थी, बट वो टाइम में खोल नहीं पाया क्योंकि फंड भी नहीं थे और पापा ने भी मना कर दिया था कचरे में काम नहीं करना है। तो मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढी अहमदाबाद बेस्ड में, फिर वहाँ पर जॉब करने गया। आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है, मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे वापस अमरावती आना पड़ा। तो मैंने अपना बिजनेस आइडिया इन सबके सामने रखा, इन्होंने आग बंद करके एकदम मेरे पीछे आ गए। आपको लग रहा था ये जो लाए आइडिया ये मतलब फाड़ू है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ उसके ऊपर ट्रस्ट तो था ही, वो पहले से ही वैसा था। अच्छा, ये आपके पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू थे क्या? मतलब यस। पढ़ाकू नहीं सर, कुछ हमसे तो ज्यादा। लेकिन फर्नीचर ही क्यों सर, कैसे था? क्योंकि हाँ। इसकी यूजेज तो काफी कम है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में। तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि कोई भी ऐसा रिसाइकलर नहीं है जो 100% वेस्ट से कोई एक चीज बनाता है। तो एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए जो 100% वेस्ट से बनी। अच्छा जी। दूसरा ये था फर्नीचर ही इसलिए, हमने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत छोटे छोटे थे, उसमें कितना 500 ग्राम 1 किलो ऐसे वेस्ट जाता था। हमारे फर्नीचर जो है वो इतने हैवी है, ये बेंच हमारा 34 kg का है, तो एक ही बेंच में 40 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये एक रीजन था फर्नीचर आने का। ये तो स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग हो गई ना प्लास्टिक की। प्लास्टिक हाँ। लिया आपने, उसको फिर से ग्रैन्यूल्स बनाए। ग्रैन्यूल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारा वही है ग्रैन्युलेशन का जो कॉस्ट था वो हमने हटा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं उसकी जगह? हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सेग्रीगेट करके स्मॉल पार्टिकल बनाते थे, इस टाइप के प्लास्टिक होते थे, ये जैसे ब्लू कलर के प्लास्टिक रखे हुए हैं, उनको हम लोग ऐसे ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करते थे और यही ग्राइंडिंग से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लकड़ी के जैसे लंबर्स बनाते थे और ये लंबर को बाद में कटिंग, स्क्रूइंग, ड्रिलिंग करके हम लोग ऐसे फर्नीचर्स बनाते थे। सर ये लकड़ी के जैसे दिखने वाले बीम्स बनाए हैं, इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद, हाँ, और उससे बार बनेगी। हाँ। ये मशीन इंडिया में मिलती है? सर ये ग्रैनुलेशन मशीन है। हाँ। हमने उसका हेड चेंज किया है, सामने मोल्ड लगाया है और ये लंबर्स बनाए हैं। और ये कोई यूनिक पार्ट है या कोई भी कर सकता है? सर थोड़ा R&D करके तो कर ही लेगा। अच्छा। इसका प्राइस बताइए, अगर मुझे वो एक सिटिंग बेंच लेना है। 15,000 रिटेल प्राइस है। लेकिन महंगा नहीं है उसके लिए 15,000? नहीं मैम, अगर लकड़े के फर्नीचर आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन अराउंड 20,000 से होता है 3 सीटर बेंच का। और ये बीच 18,000 का। और वैसे आपका कॉस्ट क्या है? हमारा वो बनता है अराउंड 5,000 में। 5,000 में बनता है? शिपिंग बहुत लगता है क्या इसमें? हाँ शिपिंग है। कितना होगा 5,000 का? अगर ये बेंच में 18,000 में लेता हूँ, उसमें कितना शिपिंग में चला जाएगा? उसका जाता है अराउंड 3,000। थैंक यू। सेल्स क्या है आपके? हमारा लास्ट ईयर का 1.3 करोड़ का सेल था। वाओ। जिसमें से 18 लाख का फर्नीचर से आया है क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है, 2 ही साल हुए इसको लॉन्च किए। बाकी किससे आया है? बाकी का हम लोग जो वेस्ट सेग्रीगेट कर कर उसको रिसाइकलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पहले से जो स्टार्ट किया था वो सेल वहाँ से। वो बिजनेस बहुत बढ़िया था यार। सर वो एक्चुअली बिजनेस ऑफ क्वांटम है। इसमें जैसे अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे ऑन एन एवरेज हमको 65% मिल जाता है, उसमें हमको सिर्फ 26% ग्रॉस मार्जिन मिल सकता है। पर इसमें एक चैलेंज आता है फर्नीचर बिजनेस में, इसमें जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट मार्जिन ले लेते हैं जिसको हम इमेजिन भी, हमें लगता है कि विद स्केल ये कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, पर आ नहीं पा रहा है लोगों को। इट टेक्स अवे ऑल द मार्जिन इन द बिजनेस। तो पिछले महीने आपने फर्नीचर की कितनी सेल्स की? लास्ट मंथ किया 2.5 लाख, ये मंथ अभी तक के 4.8 लाख हो गई। सिर्फ फर्नीचर। और कचरे के बिजनेस की कितने की? सॉरी ऐसे बोलने में नहीं, एग्जैक्टली इट इज अ गुड। हंसी आती है लेकिन लास्ट मंथ अराउंड 7.5 लाख थी, अभी तक के 8 लाख हो गई। वेरी गुड यार, 8 लाख का फर्नीचर। तो टोटल 8 लाख और 5 लाख समझते हैं, ये महीने का 13 लाख हो गया, राइट। तो धीरे धीरे 40% या 30% मानते हैं आपका बिजनेस हो गया है, नॉट कचरा बट फर्नीचर का। एग्जैक्टली। अच्छा, समझ। ये साल का हमारा टारगेट है कि 1.1 करोड़ हमको वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से आएगा और अराउंड 50 लाख हमको ये बिजनेस।